हेलो एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एडल्ट्री कानून में दी गई पिटीशन के बारे में। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली है कि आर्म्ड फोर्स के लिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स तीनों में एडल्ट्री को अभी भी क्राइम के रूप में देखा जाना चाहिए। एडल्ट्री इज बेसिकली, सिंपल भाषा में बोला जाए तो, मैरिज में चीटिंग करना। लाइक हस्बैंड या वाइफ, अगर कोई भी व्यक्ति किसी तीसरे बंदे या बंदी के साथ एक्सटर्नल अफेयर रखता है तो उसे अडल्ट्री कहा जाता है। लेट इसको अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक हेज अ मैरिड कपल और इस वूमेन का इस थर्ड बंदे के साथ एक्सटर्नल अफेयर चलता है, और हाँ, इस बंदे को भी पता है कि दैट लेडी इज मैरिड। और मान लो कि बाय चांस या कुछ सालों बाद इसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि इसकी वाइफ का किसी और के साथ एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, तो इसका हस्बैंड इस थर्ड बंदे के खिलाफ 497 आईपीसी की धारा के तहत इसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है, बट अपनी वाइफ के अगेंस्ट नहीं। लेकिन हाँ, उसे डाइवोर्स जरूर दे सकता है। अब मान लो सेम यही केस उल्टा हो जाता है कि इसके हस्बैंड का किसी और के साथ एक्सटर्नल अफेयर है, तो ये लेडी के पास कोई हक नहीं होगा कि वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सके। तो ये कानून काफी हद तक बायस भी था, दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे खत्म कर दिया गया। बट इन 2021 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि आर्मी पीपल के लिए अडल्ट्री को अगेन एक क्राइम मानना चाहिए, कि आर्मी पीपल को ये हक दिया जाए कि अगर उनकी वाइफ ऐसा कुछ करती है तो वो थर्ड बंदे के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सके। तो सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड यही कहता था कि हस्बैंड के पास तो पावर थी कि वो अपनी वाइफ के लवर पर केस कर सकता है, बट वाइफ के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। और अगर हम इस पिटीशन के बारे में बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 497 को वापस क्यों लाना चाहते हैं, तो उन्होंने मेन रीज़न ये बताया कि जो आर्मी मेंस हैं उनके दिमाग में हमेशा फैमिली को लेकर टेंशन रहती है, एज वी ऑल नो कि दे आर फार अवे फ्रॉम देयर फैमिली। तो वो सोचते हैं कहीं उनकी फैमिली, बेसिकली अगर इस केस के हिसाब से देखा जाए तो वाइफ, कहीं गलत इन अप्रोप्रिएट एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो जाए। दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिमांड कर रही है कि 497 को वापस लाया जाए और इस केस को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े द्वारा सुनवाई की जाए। और अगर हम बात करें तो आम जनता से अलग होते हैं आर्म फोर्स के कानून। आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इन तीनों में क्लासीफाई कर रखा है जिन्हें आर्टिकल 33 के तहत सुरक्षा दी जाती थी। और अगर एक्सटर्नल अफेयर होने पे आर्मी एक्ट में ऑलरेडी कानून था कि धारा 45-46 के तहत सजा दी जाती थी जिन्हें 497 से पावर मिलती थी। और अगर 497 कोई नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा तो आर्मी एक्ट से भी उनकी ये पावर छीन ली जाएगी। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिमांड कर रही है कि एडल्ट्री का कानून या 497 को आर्म फोर्स में वापस लाया जाए। And if you find this video informative, please hit the like button, share it and subscribe the channel. Thank you.